हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो ग्रास ब्रूम का प्लांटेशन करने जा रहा हूँ, उसके लिए जो जंगल काटा था वो सब में अभी आग लगाने का काम शुरू हो चुका है। वो आप लोग देख पा रहे हैं, धुआं उठ रहा है। और इधर भी थोड़ा बहुत आग लगाया गया है। पूरा एरिया साफ हो जाएगा उसके बाद, जब थोड़ा थोड़ा बारिश गिरेगा उसी टाइम हम लोग ग्रास रूम का जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो सब लगाएंगे। और फिर एक साल के अंदर पूरा का पूरा ग्रास रूम से भर जाएगा। ये आग लेके जा रहा है, खनक दाहुन दीजिए मामा। हाँ यहाँ पे जो आप लोग एक फायर लाइन देख रहे हैं, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि इस साइड का आग उस साइड में मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिका नट प्लांटेशन है वहाँ पे नहीं जा पाए। अगर भूलकर भी उधर में आग पकड़ लिया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा मेरा प्लांटेशन, तो इसलिए ये जो फायर लाइन है इसको बनाया गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आग क्यों जलाया जाता है जंगल साफ करने के बाद। देखिए, अगर मैं आग नहीं लगाऊंगा जंगल में, कटे हुए जंगल में, तो जैसे कि यह सब आप लोग देख पा रहे हैं, बैम्बू वगैरह पेड़ों की डालियां जो बिखरे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से प्लांटेशन करने में बहुत सारा दिक्कत आएगा। और प्लांटेशन अगर किसी तरह मैंने मैनेज करके लगा भी दिया तो उसको साफ़ रखने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सड़ने के लिए कम से कम 2-2.5 साल तो लग ही जाएगा। तो 2-2.5 साल तक बहुत सारा दिक्कत मुझे सामना करना पड़ेगा दिक्कतों का। आसानी से मैं जंगल साफ नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए पहले से ही मैं जंगल में आग लगा कर साफ़ कर रहा हूँ। आग धीरे धीरे पास आ चुका है, पूरा एरिया देखिए। मुझे लगता है मुझे दोबारा से आग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह नहीं जलेगा। इसका वजह है यह जंगल उतना घना नहीं था, तो जो बैम्बू और पेड़ की डालियाँ इधर उधर बिखरा पड़ा था उसमें अच्छी तरह आग नहीं पकड़ पाएगा। तो दोबारा से मुझे वो सब इकट्ठा करके अलग अलग लोकेशन पे जलाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के जरिए मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ ग्रास ब्रूम प्लांटेशन के लिए। बारिश के टाइम में जब मैं प्लांटेशन करूँगा तब और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।